सुप्रभात बच्चों, मैं स्वास्तिका त्रिपाठी आपकी हिंदी अध्यापिका DSS ऑनलाइन क्लास में आप सभी का पुनः स्वागत करती हूँ। तो बच्चों, आज हम लोग विषय हिंदी रिमझिम में अध्याय 17 पढ़ेंगे। इस कविता का क्या नाम है? चकई के चकदुम। ठीक है, इस कविता के रचयिता का नाम है श्री रमेश तेलंगन जी। ठीक है ना? कवि इस कविता के माध्यम से गांव का बहुत ही सुंदर चित्रण किया है, यानी इस गांव के परिवेश के बारे में बताया है। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हम लोग कविता को पढ़ते हैं। चकई के चकदुम, चकई के चकदुम, गांव की मड़ैया साथ रहे हम तुम। चकई के चकदुम, चकई के चकदुम, ग्वाले की गया दूध पिए हम तुम। चकई के चकदुम, चकई के चकदुम, कागज की नया पार करे हम तुम। चकई के चकदुम, चकई के चकदुम, फुलवा की बगिया फूल चुने हम तुम। चकई के चकदुम, चकई के चकदुम, खेल खत्म भया आओ चले हम तुम। तो बच्चों, अभी तक हम लोगों ने इस कविता को पढ़ा है, अब इसका अर्थ समझेंगे। तो देखिए कवि क्या कह रहे हैं, चकई के चकदुम, चकई के चकदुम। तो बच्चों, आप लोगों ने देखा होगा कि छोटे छोटे बच्चे क्या करते हैं,
आपस में 10-15 बच्चे एक दूसरे का हाथ पकड़ करके अब कोई ना कोई गाना गाते हैं, कहानी कहते हैं और सर्कल बना करके कूदते हैं, खेलते हैं, ठीक है ना, कूदते हैं हाथ पकड़ करके और खेलते हैं। तो ऐसे ही ये सब बच्चे भी एक दूसरे का हाथ पकड़ करके अकेले भी खेलते हैं, आगे पीछे पैर को फेंकते हुए और खेलते हैं और गाते हैं चकई की चकदुम चकई की चकदुम। गांव की मड़ैया साथ रहे हम तुम, एक गांव में जो मड़ई होता है ना, गांव में सभी लोग जॉइंट फैमिली में रहते हैं, उसमें क्या क्या होता है, बाबा होते हैं, दादी होती हैं, चाचा होते हैं, चाची होती हैं, बुआ, उनके बच्चे, सब लोग एक साथ छोटे छोटे मड़ैया में रहते हैं। कहा गया ना, गांव की मड़ैया साथ रहे हम तुम, उस गांव की मड़ैया में हम सभी एक साथ रहेंगे। चकई के चकदुम चकई के चकदुम, ग्वाले की गैया दूध पिए हम तुम। ग्वाले लोग बहुत ज़्यादा गायों को रखते हैं और गायों से दूध निकालते हैं और बेचते हैं। तो ये बच्चे कह रहे हैं कि ये गैया तो ग्वाले की है और दूध पिए हम तुम, हम सभी क्या करेंगे, दूध पिएंगे। चकई के चकदुम चकई के चकदुम, कागज की नैया पार करे हम तुम। आप लोग देखे हुए कि बच्चे जब छोटे होते हैं तो कागज का नाव बनाते हैं, ठीक है, और कहीं भी वो पानी देखते हैं तो क्या करते हैं, उसमें नाव को रख करके और तैराने लगते हैं। ये बच्चे भी कह रहे हैं कागज की नैया पार करे हम तुम, यानी कागज की नाव को चलो हम लोग इधर से उधर पार करते हैं, यानी इधर उधर तैराते हैं। चकई के चकदुम चकई के चकदुम, फुलवा की बगिया फूल चुने हम तुम। तो माली लोग जो होते हैं वो फूल की बगिया लगाते हैं, फूल का बगीचा लगाते हैं, उसमें तरह तरह के खूब सुंदर सुंदर छोटे बड़े फूल खिलते हैं। तो ये कह रहे हैं बच्चे कि फुलवा की बगिया फूल चुने हम तुम, उस फूल की बगिया में चलो हम तुम फूल को चुनते हैं, यानी तोड़ते हैं, तरह तरह के अच्छे अच्छे फूल खिले हुए हैं उनको हम तोड़ते हैं। तो बच्चे ऐसे होते भी हैं, सुंदर चीज़ों को देखते हैं, फूलों को देखते हैं, जहाँ भी देखेंगे वो तोड़ने लग जाते हैं, ठीक है। चकई की चकदुम चकई की चकदुम, खेल खत्म भैया आओ चले हम तुम। अब ये बच्चे क्या कर रहे हैं कि अब तो हम लोग की खेल खत्म हो गई, अब आओ हम सभी लोग एक साथ घर को चलते हैं। तो बच्चों मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये कविता बहुत अच्छी लगी होगी। आप लोग के बुक में एक कविता है, उसको देख करके खूब सुंदर सुंदर साफ साफ लिखेंगे और ऐसे ही कलर करेंगे, उस पर चित्र भी बनाएंगे। बच्चों धन्यवाद। बच्चों